और रिजल्ट देखिएगा आप कमाल के, बीटी होगी। इस एल्युमिनियम फॉल को ऐसे करके क्या कर देंगे बच्चों? कोई कल को एक बड़ा ही कमाल की एक चीज करूं मैं, और वो ये है कि मैं इसको पानी के अंदर जाके क्या करूं? फोल। आप बताओ छोड़ने वापस ऊपर आएगी? सभी को नमस्कार। एक्चुअली ये जो वीडियो है वो एक शॉर्ट के लिए शूट की गई थी, बट जब ये शूट हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको एक मिनट में तो समझाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों ना हम इसको एक कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में डालें। तो इसलिए पोर्ट्रेट फॉर्म में शूट हो गया, उसके लिए सॉरी। एंड सेकेंडली, ये वीडियो में आप अगर एंड तक इस वीडियो को देखते हैं, मैं सिर्फ व्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप साइंस का एक कंसेप्ट इतनी ईजिली एल्युमिनियम फॉइल से समझ पाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या इतनी इजीली भी हम साइंस को समझ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सच में आप बहुत सारी नॉलेज सिर्फ एक 5-10 मिनट की वीडियो से लेके जाएंगे। थैंक यू। तो तैरने का प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो बायोंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था सरफेस एरिया के। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत न्यू सी चीज़ देखेंगे, वो क्या है मैं आपको मतलब ये तो आपने देखी हुई है, ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ हम जो करेंगे वो नई चीज़ है। ठीक है, क्या आपको याद है सरफेस एरिया बढ़ने पे बायोंसी बढ़ती थी? तो एक खेल खेलते हैं। चलो, खेल क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉइल है, और हर बात पे यस यस भी नहीं बोलना, बच्चे कहते हैं वीडियो के अंदर क्लास में बच्चे से यस सर नो सर ही करते हैं, मैंने कहा आज्ञाकारी बच्चे हैं ये देखो अच्छा सुनो यार, एक बात सुनो, ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल, और मैंने इस एल्यूमिनियम फॉइल के बच्चों कर दिए दो टुकड़े। ये भी कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है कि अगर मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल को इसके ऊपर तैराता हूँ और एक एल्यूमिनियम फॉइल को ऐसे फोल्ड कर करके इसके अंदर रखता हूँ, तो आपके हिसाब से कौन सी वाली एल्यूमिनियम फॉइल के तैरने के चांसेस ज्यादा है? जो मतलब फ्लैट है। बोलो, बट रिजल्ट देखिएगा आप कमाल के। देखो अभी तो फिलहाल तो अगर मैं इसको उसके ऊपर छोड़ दूंगा तो ये तो तैर ही रही है, कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया इज वेरी हाई, बट डेंसिटी वाइज एल्यूमिनियम वाटर से ज्यादा डेंसर होता है। तो अगर मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल को नीचे छोड़ के आ जाऊं तो ये वापस ऊपर नहीं आएगी बच्चों। रीजन बीइंग, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? हाँ, ये तो बीटी होगी। चलो अब हम बच्चों इस एल्यूमिनियम फॉइल को लगभग सेम साइज, इस एल्यूमिनियम फॉइल को ऐसे करके क्या कर देंगे बच्चों? फोल्ड। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर इसको छोड़ देंगे तो तैर रही है अभी फिलहाल तो, लेकिन अगर मैं इसको इसके पानी के अंदर छोड़ के आऊंगा, अरे भाई ये तो वापस से ऊपर आ रही है। अब मैं इसको वापस से छोड़ दूंगा तो ये तो वापस से ऊपर आ रही है। अब आप मुझे एक और बार कर लेते, मजा आ रहा है मेरे को। ये वापस से ऊपर आ रही है। बोलो बच्चों। देखो कहने का मतलब क्या है, आपने जो बोला वो तो गलत साबित हो गया ना यार। आप लोगों ने बोला था जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके तैरने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन यहां तो उल्टा हिसाब किताब हो गया। तो हुई ना कमाल, मैं आपको कारण भी बताऊंगा इसका, लेकिन हुई ना कमाल की चीज। दोबारा से करेंगे बच्चों, इसको मैं नीचे छोड़ के आऊंगा, कैमरामैन आ रहा है ना बिल्कुल बढ़िया, ये और ये ऊपर आ गया, बताओ। लेकिन वो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल नीचे जाके मर गई है। अब अगर हम इसको बाहर निकाले और वापस से इसके ऊपर छोड़ दो तो फिर तैर रही है, क्योंकि अब यहाँ पे बायोंसी ज्यादा लग रही है, लेकिन हमने कहा नीचे जाओ तो डेंसिटी वाइज चली गई नीचे, लेकिन वापस ऊपर नहीं आती है बच्चों। बोलो यार, तोलिया भी दे दो मेरे को। अच्छा, अब अगर हम लोग इस एल्यूमिनियम फॉइल को इसके कहने पे कहाँ छोड़ें? तो क्या होगा बताओ भाई? मान लो इसको बीच में छोड़ दे तो ये नहीं नीचे जाएगी ना, डेंसिटी वाइज तो नीचे। यार एक एक लोहे का जहाज पानी पे तैरता है ना, लेकिन अगर आप उसको पानी के अंदर ले जाओगे एक बार तो फिर वो डूब ही जाएगा ना, क्योंकि डेंसिटी वाइज तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। लेकिन आपको इससे भी ज्यादा कमाल की चीज दिखाता हूँ मैं, फिर मैं आपको कारण भी बताऊंगा। यार ये बताओ, ये तैर रहा है ना? कितनी बार भी कर लो ये ऊपर ही आ जाएगा ना। लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर मैं इसको इन दोनों को निकाल देते हैं बाहर, अब अगर मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल को एक बड़ा ही कमाल की एक चीज करूं मैं, और वो ये है कि मैं इसको पानी के अंदर जाके क्या करूं?
फूल। आप बताओ छोड़ने वापस ऊपर आएगी? आंसर है ये पानी के अंदर ही है ना जादू? पागल हो क्या? हर बार जादू बोल, जादू नहीं है बेटा, साइंस है। क्या science. अब ये जैसे वैसे थोड़ा सा पानी ऐड हो गया, देखते हैं, वरना हम हाथ पहुंच के कर लेंगे। वैसे हाथ सूखे से ही करना चाहिए, बट लेट्स से इसको हम दोबारा फोल्ड करते हैं और हम इसको पानी में छोड़ देते हैं और नीचे छोड़ के आएंगे तो वापस ऊपर। ये क्या हो रहा है यार? मतलब इसको बाहर फोल्ड कर रहे हैं तो ये ऊपर आ रही है, पानी के अंदर फोल्ड कर रहे हैं तो ये नीचे ही रह रही है। बोलो क्या कारण है इसका? ये रहा भाई, ये तीसरी हमारी लाश। अब इसको हम पानी के अंदर फोल्ड कर देंगे तो ये अब है। कोई आप में से कोई माइका लाल या लाली जो कारण बता सके इसका? एक बच्चा, दो बच्चे? हाँ, ये चश्मा वाला भाई बताएगा। ताली मारो बच्चे के लिए, वेरी गुड, बैठ जाओ भाई। बच्चा क्या कह रहा है, सुनने वाली बात है। बच्चा कह रहा है कि जब हम उसको बाहर फोल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर हवा ट्रैप हो रही है। क्या ट्रैप हो रही है? हवा। और हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन जब उसको हम पानी के अंदर ट्रैप अंदर रैप कर रहे हैं तो वहाँ हवा तो है नहीं, वहाँ तो क्या है? पानी है। या अगर हवा है भी तो थोड़ी बहुत है, तो एज अ रिजल्ट वो ऊपर नहीं आया। लेकिन अब आप बताओ, एक क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? सेम रीजन, बिकॉज हम आइस को फ्रीज करते हैं बाहर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब फ्रीज हो रहे थे वो उसके अंदर क्या ट्रैप कर लेते हैं? एयर। तो अगर मैं उसको पानी के अंदर फोल्ड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एयर ट्रैप नहीं, और पानी के बाहर कर रहा हूँ तो ये जो हमारे बंदे हैं ये वापस से ऊपर आ, यानी इसके अंदर क्या चली गई है? हवा। पता नहीं, हो सकता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें, बहुत ज़्यादा एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाल दें, बोलो, और इसके अंदर की सारी हवा क्या कर दें? निकाल दें। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, करके देख लेते हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है? कंप्रेस। अगर थोड़ी बहुत भी क्या बच गई होगी इसके अंदर? तो ये तैरेगा। नहीं बची होगी तो ये नहीं तैरेगा। ये देखो, ये तो बाहर रखा हुआ है। अरे यार ये लो ना, तो ऐसे फोल्ड करें कि इसके अंदर की सारी क्या निकाल दें बाहर? एयर। बिल्कुल चिपका दें इसको। ऐसा मैं कोई रोल वोल बना रहा हूँ, पकड़ा गया वाली वीडियो रिपीट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको भाई साहब मेरे जितनी पास मेरे पास ताकत है उतनी हमने इसको दबा दिया, और हवा और तो भारी दबाया, भारी दबाया इसको। तो अब बताओ क्या कहते हो? हैं, डूब गई। रीजन, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या ही नहीं ट्रैप होने दी हवा, उसको बहुत दबा दिया ना यार, समझ रहे हो? चलो इन लाशों को बाहर निकाल लेते हैं पहले।